नमस्कार प्रणाम मेरे उत्तराखंडी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों हर बार की तरह कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इस बार की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गढ़वाल के ब्राह्मणों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाली ब्राह्मण। तो दोस्तों मूल रूप से इतिहास की दृष्टि से गढ़वाली ब्राह्मणों को तीन कैटेगरीज में रखा गया है। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन हैं? वो हैं सरोला, गंगाड़ी और नाना। तो सरोला और गंगाड़ी तो वो थे जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान मैदानी भागों से उत्तराखंड के पर्वतीय भागों की तरफ आकर बस गए थे। और कहा जाता है कि सरोला पवार शासकों के राजपुरोहित के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में आए थे। गढ़वाल आने के बाद सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों ने नाना गोत्र के ब्राह्मणों से विवाह कर लिया था और अपने रिश्ते स्थापित कर लिए थे। और उस समय में सरोला ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया भोजन सब लोग खा लेते थे। अर्थात उस टाइम पे जब भी कोई सामाजिक कार्य होता था या अवसरों में सरोला ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता था और भोजन सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया जाता था और सभी लोगों को परोसा जाता था। आज भी कहीं कहीं पर ये सब प्रथाएँ देखने और सुनने को मिलती हैं। और गंगाड़ी ब्राह्मणों का अधिकार केवल अपने सगे संबंधियों तक होता था। तो ये तो तीन कैटेगरीज की बात थी, सरोला, गंगाड़ी और नाना। इन तीन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग गढ़वाली जो ब्राह्मण जातियाँ आती हैं वो इस प्रकार से हैं। कुछ कुछ मैं आप यहाँ पे नाम लूँगा, नौटियाल, डोवाल, रतूड़ी, गैरोला, डिमरी, थपलियाल, बिजलवाण और बहुगुणा, कोठियाल, उनियाल, पैनूली या पन्यूली भी बोलते हैं, ढोंडियाल, नौडियाल, पोखरियाल, सकलानी, चमोली, काला, पाथरी, खंडूरी या खंडूरी भी बोलते हैं, सती, कंडवाल, ममगई, भट्ट, पंत, बर्थवाल या बर्थवाल भी बोलते हैं, कुकरेती, अंथवाल, बैंजवाल, पुरोहित, नैथानी। और कुछ नाम मैं यहाँ पर नहीं भी ले पाया हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आने वाली वीडियोज में हम इन सभी के बारे में, इन सभी ब्राह्मण जातियों के बारे में, उनका इतिहास क्या था, वो सब जानकारी जुटा के वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे वो जानकारियाँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।